तो भाई ये वाली स्मार्ट वॉच आती है ग्रीन बेरी की तरफ से, i7 Pro Max। एक और i7 Pro Max थी ये वाली, जो कि काफी ट्रेंड में रही थी अपने प्राइसिंग एंड अपने फीचर्स को लेकर। लेकिन 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 जो ये वाली स्मार्ट वॉच है, इसकी प्राइसिंग आपको इस वाले i7 Pro Max से बेटर देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करते ना बिल्ड की, ये वाली i7 Pro Max आती थी पॉलीकार्बोनेट के साथ में, एंड ये वाली स्मार्ट वॉच आती है मेटल बॉडी के साथ में, और भी काफी सारे फीचर्स में चेंजेस है। तो आज की वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहना। मेरा नाम है अरिंद शर्मा द होस्ट एंड यू आर वॉचिंग टैक बूमर। तो चलिए आज की धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारे पास ग्रीन बेरी i7 Pro Max स्मार्ट वॉच का बॉक्स, पूरा ही ब्लूइश कलर में आपको स्मार्ट वॉच का बॉक्स देखने के लिए मिलता है। फ्रंट साइड की पहली झलक दिखाई गई है, लेफ्ट राइट साइड पर आपको सीरीज 7 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड बैक साइड पर इसके काफी सारे फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। साथ साथ आपको यहाँ पर काफी सारे पैरामीटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करेंगे डिटेल में इनके बारे में आगे वीडियो में, तो पहले फटाफट से हम कर लेते हैं जरा बॉक्स को ओपन, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको बॉक्स में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो भाई जैसे हमने बॉक्स को ओपन किया है, तो काफी स्वीट सी पैकेजिंग के साथ में आपको पूरा बॉक्स मटेरियल देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की साइड हमें प्रोवाइड करवाई गई है कुक स्टार्ट गाइड, जिसपे आपको QR कोड देखने के लिए मिलता है, जिसे कि आप स्कैन करके इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर हमें प्रोवाइड करवाई गई है व्हाइट कलर के स्ट्रैप्स, जो कि ओवरऑल काफी प्रीमियम लुक्स इस वाली स्मार्ट वॉच को प्रोवाइड करवाने जा रही है, क्योंकि भाई व्हाइट कलर काफी मेरा भी फेवरेट है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने फिलहाल व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है। फिलहाल हम इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ पर हमें प्रोवाइड करवाया गया है मेन डायलर, एंड अगर मैं आपको डायलर की पहली झलक दिखाता हूँ, तो भाई फुल मेटल बॉडी के साथ ये वाला डायलर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको वर्किंग क्राउन प्रोवाइड करवाया गया है। ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम होने जा रही है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम कर लेते हैं जरा से स्विच ऑन। फिलहाल हम रखते हैं जरा इस वाली स्मार्ट वॉच को साइड में, एंड बात करते हैं बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो बॉक्स में सिर्फ हमें एक ही चीज देखने के लिए मिलती है, वो है इसका चार्जिंग डॉक। तो ये था हमारे पास टोटल बॉक्स कंटेंट, जो कि इस वाली स्मार्ट वॉच के बॉक्स में हमें देखने के लिए मिलता है। अब जरा कर लेती है इसकी प्रोडक्शन को रिमूव। तो भाई आप देख सकते हो क्या ही बिल्ड इस वाली स्मार्ट वॉच की आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो फटाफट से हम जरा बात कर लेते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो 1.80 इंच की आपको एक डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई है। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। वेरस अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पर आपको एक क्राउन प्रोवाइड करवाया गया है। साथ साथ आपको एक माइक्रोफोन का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपके कॉल के दौरान काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया गया एक पावर ऑन ऑफ बटन, एंड आप देख सकते हो कि जो आपको बॉडी फ्रेम मिलता है वो काफी शाइनी सा है, एंड जहाँ पर ये बटन है वहाँ पर काफी रफ सरफेस बनाया गया है, ताकि आप इजीली यहाँ पर देख पाओ कि कहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन है एंड कहाँ पर नहीं है। बाकी बात करते हैं बैक साइड के बारे में, तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। साथ साथ आपको प्रोवाइड करवाया गया है हार्ट रेट सेंसर्स, जो कि आपकी हार्ट रेट वगैरह मेजर करेंगे। फिलहाल हम इस वाली स्मार्ट वॉच के कनेक्ट कर लेते हैं जरा स्ट्रैप्स को, देन हम बात करते हैं फर्दर इसके फीचर्स के बारे में कि ओवरऑल स्मार्ट वॉच आपको कैसी देखने के लिए मिल जाती है। तो फिलहाल भाई हम अटैच कर चुके हैं इसके स्ट्रैप्स को, एंड स्ट्रैप्स को अटैच करने के बाद आपको ये काफी प्रीमियम लुक्स प्रोवाइड करवाने जा रही है। तो अब जरा बात कर लेते हैं इस वाली स्मार्ट वॉच के UI के बारे में कि भाई आपको कैसा UI देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे ही आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करते हो, तो यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन आपको ये प्रोवाइड करवा देगी। साथ ही साथ नीचे से ऊपर स्लाइड करने पर आपको डायल पैड, कॉन्टेक्ट, थीम आपको प्रोवाइड करवाई गई है। आपको तीन तरह के मेनू स्टाइल इस वाली स्मार्ट वॉच में प्रोवाइड करवाई गई है, वो भी मैं आपको एक एक कर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाता है QR कोड, जिसे आप स्कैन कर इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। बाकी यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल एंड स्टेप मॉनिटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जब आप इसे लेफ्ट साइड से स्लाइड करोगे, तो यहाँ पर आपको काफी प्यारे प्यारे वॉच फेसेस प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिन्हें आप अपने ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। सेम ही आप राइट साइड से भी स्लाइड कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इसके मेनू स्टाइल्स के बारे में, तो आपको तीन तरह के मेनू स्टाइल देखने के लिए मिल जाती है। पहला है लिस्ट व्यू, सेकंड आपको मिल जाता है ये वाला, जिसके अंदर आपको एक लेआउट के अंदर नो एप्लीकेशंस का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी बात करते हैं थर्ड वाले के बारे में, तो आपको ये मिल जाता है अपना ग्रिड व्यू, जिसमें कि आपकी सारी एप्लीकेशंस आपको शो होती रहेगी। मैं आपको बता चुका हूं कि ये वाला क्राउन आपको वर्किंग देखने के लिए मिलता है, एंड काफी स्मूथ वर्किंग है इस वाले क्राउन की, काफी प्यारी सी साउंड के साथ में। तो ये था इसकी UI के बारे में। तो भाई ओवरऑल UI तो आपको काफी सिंपल प्रोवाइड करवाया गया है, एंड यूज करते टाइम मेरे को फील हुआ है कि इसका UI काफी स्मूथ भी आपको देखने के लिए मिल जाता है।
तो बात कर लेते हैं इस वाली स्मार्ट वॉच की एप्लीकेशंस के बारे में। तो किन किन एप्लीकेशंस का आपको उसमें सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाया गया है डायलर। अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड के बारे में, तो रनिंग, सीटअप, जंपिंग जैसे फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिनकी आप डेली लाइफ में खेल कूद कर काफ़ी हेल्दी एंड फिट यहाँ पर रह सकते हो। अगर हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में, तो आपको मिल जाता है फोन बुक, मैसेजेस आपको फीचर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, एंड आपको इस वाली स्मार्ट वॉच में वेदर अपडेट, स्लीप मॉनिटरिंग, फाइंड माय डिवाइस जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप इस वाली स्मार्ट वॉच के थ्रू अपने डिवाइस का म्यूजिक कंट्रोल भी कर पाओगे। मेनू स्टाइल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इस वाली स्मार्ट वॉच में तीन तरह के मेनू स्टाइल देखने के लिए मिलते हैं, जिनके आप अलग अलग डे यूज कर पाओगे अपने हिसाब से। साथ ही साथ आपको इसमें मिल जाता है कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन, आपको स्टॉप वॉच भी प्रोवाइड करवाई गई है। यहाँ पर आपको क्यू आर कोड देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप इसे स्कैन कर इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर आपको मोर वाले सेक्शन में लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर आपको सीरी का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अबाउट वाले सेक्शन में इसका वॉच नेम एंड मैक एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा, साथ साथ आपको उसमें लैंग्वेज, टाइम वगैरह यहाँ से सेट कर पाओगे। तो ये सब थे फीचर्स जो कि आपको इस वाले स्मार्ट वॉच में देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी एट द एंड अगर हम बात करते हैं ओवरऑल स्मार्ट वॉच के बारे में, तो भाई प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मेरे को ये वाली स्मार्ट वॉच काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो मैं आपको बता चुका हूँ शायद 600 रुपीज़ के अराउंड आपको ये वाली स्मार्ट वॉच देखने के लिए मिलती है। एंड ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, वही वो मेटेलिक देखने के लिए मिलती है। उसके साथ साथ आपको काफ़ी प्यारा सा वर्किंग क्राउन देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी बैकअप की अगर हम बात करते हैं, तो कॉलिंग के साथ आपको ये 1 से 1.5 दिन का ही बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवा पाएगी। एंड अगर आप इसे नॉन कॉलिंग की तरह यूज़ करते हो, तो 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको ये मैक्सिमम प्रोवाइड करवा देगी। चार्जिंग टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो आपको आराम से 1 घंटा ले लेगी ये 100% चार्ज होने के लिए। बाकी यही था सर स्मार्ट वॉच के बारे में। ओवरऑल भाई मुझे काफी पसंद आई है, क्योंकि भाई प्राइस सेगमेंट भी आपको काफी छोटी देखने के लिए मिलती है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास 2 स्मार्ट वॉचेज है, स्मार्ट वॉच T500S एंड साथ में i7 Pro Max, जो कि आपको दूसरे वाली देखने के लिए मिलती है। अगर आप चाहते हो कि इस वाली स्मार्ट वॉच का कंपेरिजन वीडियो में उनके साथ लाऊं, तो आप ये कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर एक बार आए, तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे आराम से प्रेस कर बेल आइकन को हिट जरूर कर देना। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये वाली स्मार्ट वॉच कैसी लगी। एंड भाई मुझे आपके 2 ओपिनियन चाहिए, एक तो है मेरे पास ये T500S एंड एक स्मार्ट वॉच है मेरे पास i7 Pro Max, ये वाली मुझे आप बता सकते हो कि आपको इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के साथ इसकी कंपैरिजन वीडियो चाहिए या फिर नहीं। बाकी तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।